हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम मूंग दाल के पकोड़े बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं और इसे बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं मूंग दाल के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2 कप मूंग दाल, इसे हम पहले 2 से 3 बार धो लेंगे और फिर इसे 2 कप पानी में 3 से 4 घंटे तक सोक करके रखेंगे। 3 से 4 घंटे बाद हम इसमें से सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे और अब जब 3 से 4 घंटे बाद देखोगे तो मूंग दाल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिर हमें चाहिए 1 कप राइस फ्लावर, 2 ओनियंस, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 1/2 कप कोरिएंडर लीव्स, 2 से 3 ग्रीन चिलीज, इसे हम एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे या आप चाहो तो इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हो, 1 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून सोडा बाइकार्बोनेट और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम 2 कप मूंग दाल को मिक्सर या ब्लेंडर में ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए, पहले मैंने 1 कप मूंग दाल को ग्राइंड कर लिया है। और इसी तरह हम बाकी की मूंग दाल को भी ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए, मूंग दाल ग्राइंड होकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम उसे एक बाउल में निकाल देंगे। फिर इसमें हम 2 फाइनली चॉप किए हुए ओनियंस, 1/2 कप कोरिएंडर, 2 से 3 ग्रीन चिली की पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा और स्वाद अनुसार नमक डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें 1 कप राइस फ्लावर डाल देंगे और इसे भी इन सब के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे एंड में हम इसमें 1/4 टीस्पून सोडा बाइकार्बोनेट डालेंगे। सोडा बाइकार्बोनेट डालने की वजह से पकोड़े अंदर से काफी सॉफ्ट बनेंगे। और ये देखिए, मूंग दाल पकौड़े बनाने के लिए स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हम पहले हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और फिर जब सारे पकौड़े हम इसमें डाल देंगे तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने की वजह से पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसे हम बीच बीच में फ्लिप करते रहेंगे ताकि ये हर जगह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो वो मैंने बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, मूंग दाल पकौड़ा रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।